मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। ऑटो चालक ने सवारी पर किया चाकू से हमला, हुआ फरार, सवारी गंभीर रूप से घायल, संजय गांधी अस्पताल लाया गया। चुराटा थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन की घटना। बीती रात रेलवे स्टेशन में चला चाकू, रेलवे स्टेशन में उतरते ही ऑटो चालक ने यात्री पर किया हमला, यात्री गंभीर रूप से घायल, संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। चुराटा थाना क्षेत्र का है मामला। हम आपको बता दें, चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन में बीती रात ऑटो वाले ने रीवा राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने वाले रेलवे स्टेशन जा रहे यात्री को चाकू मार दिया। चाकू लगते ही यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, घटना स्थल पर ही गिर पड़ा। उसको संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, घटना के कारणों की जांच कर रही है, घायल से पूछताछ में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शहर में कबाड़ी मोहल्ले से ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन राजकोट ट्रेन से औरंगाबाद जाने के लिए निकले जीजा साले को रेलवे स्टेशन में ऑटो चालक ने अपना शिकार बनाया, पेट में चाकू मारकर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद ऑटो चालक वहां से फरार हो गया। घटना में घायल योगेश सिंह निवासी बेलहाई थाना सेमरिया को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दोनों जीजा साले नशे की हालत में थे। घायल युवक का जीजा सोनू सिंह निवासी उलही कला थाना मनगवा ने बताया, कबाड़ी मोहल्ले में मौसी के घर में वह बैठा था। वहां उन लोगों ने पहले शराब पी, उसके बाद ऑटो में सवार होकर रेलवे स्टेशन जा रहे थे। जैसे ही वे ऑटो से उतरे, ऑटो चालक ने उसके साले को पेट में चाकू मार दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसको संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं संजय गांधी अस्पताल पहुंचे चुराटा थाने के TI अवनीश साफ तौर से कहते हैं, फिलहाल घायल के नाक में कुछ लगा हुआ है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस मौके पर मौजूद है, हम उससे पूछताछ करेंगे, जो भी निकल कर आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। चाकूबाजी की घटना से घायल यात्री के नज़दीकी रिश्तेदार से हमने बात की, जो उनके साथ यात्रा करने जा रहा था, उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। चुराटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे, घायल युवक का जीजा सोनू सिंह और वहां पर मौजूद उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। फरियादी अभी कुछ बोल नहीं रहा है, उसके नाक में कुछ नली लगी है। घटना क्या है, कैसे है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा। फरियादी से बात हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या घटना। अभी चिकित्सकों ने मुझे कुछ नहीं बताया, जब LC रिपोर्ट दे देंगे तो मैं बता दूँगा आपको। देख के गंभीर है क्या सर? नहीं, अभी तो इशारों से बात कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? ये डॉक्टरों से पूछो यार। सुन, सुराज बहादुर सिंह है। घटना ये रेलवे से जा रहे थे बाहर कमाने के लिए औरंगाबाद, तो ये बताया, इन्होंने बताया कि ऑटो वाला चाकू मार दिया इनको। कौन ऑटो वाला, क्या नाम? अब ऑटो वाला मुझे तो नहीं पता, शायद उनको भी नहीं पता कौन है। इतनी ऑटो चलती हैं, कैसे बता सकते हैं कौन है? नंबर? घटना रेलवे स्टेशन के बाहर, बस एक ही है, इन्हीं बस को लगा। हाँ, अब ये वो ऑटो वाला ही मार दिया जो चलाता था, ड्राइवर, यही बस एक ही। क्या नाम है? योगेश सिंह नाम है। ये बहेरिया गांव के रहने वाले हैं। किस थाना अंतर्गत? ये थाना सिमरिया के अंतर्गत है। औरंगाबाद जा रहे थे, औरंगाबाद में काम करते हैं चटाई प्लांट पर। ऑटो ये कबाड़ी मोहल्ला है जो, हाँ, ऑटो वाले ने ही चक्कू मारा ऐसा इन्होंने बताया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राज बहादुर सिंह। जी हम भी बहेरिया के रहे। ताज़ातरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।